में सोचते जो उनको करना है। सो मैं यार अभी फिलहाल मैंने तो मैं बहुत सोच सोच के थक गया अभी हर सबके बाद। मैं सबको हमेशा बोलता हूँ कि यार ये करो वो करो, आपके लिए अच्छा है वो अच्छा है, बी टुगेदर एक साथ आके काम करो, ग्रो हो जाओ। और ये करते करते क्या होता है कि मैं मेरा काम भूल जाता हूँ क्योंकि सबको बताने के लिए, और फिर मैं वीक होने लगता हूँ। तो यार अगर आपको किसी को सपोर्ट करना है तो आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फिलहाल मैंने आप सेल्फीस को मुझे या फिर जो भी लोग मुझे कहेंगे आई थिंक इट एक्सेप्टेबल, क्योंकि मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। सो मैंने अभी गुड इवनिंग कविता जी, तो मैंने अभी ये सोचा है कि हर एंगल से खुद को पहले स्ट्रांग करूँगा, फाइनेंशली मेंटली फिजिकली, एंड देन जो मेरे पास आएंगे हेल्प के लिए, जिनको लगता है कि मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, उनको मैं हेल्प करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ उतना। सो फिलहाल मैं लोगों के पास जाके उनको बताना मैंने बंद कर दिया है, जो मेरे पास के रहेंगे उनको या फिर हर चीज़ हर किसी को कि आप ये करो यार वो करो, आप ले आप खराब कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो जैसे मैंने बोला कि हर एक को मालूम रहता है कि वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है सही कर रहा है। सो मैं बोलूँगा तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो मैंने ये सोचा और आपको ये बोलूँगा कि हमेशा वही करो आप जितना आप कर सकते हो, और उसका परिणाम भी आपको मालूम है। सो अगर हेल्प करनी है तो हेल्प करो, उसके रिटर्न में आपको क्या आ जाएगा इसके बारे में आप सोचोगे तो फिर आप सैड हो जाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपने हेल्प किया और उस बंदे ने या फिर उस बंदी ने या फिर किसी ने भी आपको बाद में आपके साथ बात करना छोड़ दिया, देन अगर आप कभी हेल्प के लिए गए तो आपको हेल्प नहीं किया, देन आपको लगेगा कि यार मैंने तो इसके लिए इतना हेल्प किया था सब किया था और ये कुछ नहीं कर रहा है। सो अगर आपको कुछ करना है ना तो खुद के लिए करो, हेल्प भी करनी दूसरी के तो खुद के लिए करो, क्योंकि आप कर सकते हो इसलिए। सो आपको कभी लाइफ में डिप्रेशन सैडनेस फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जो भी किया खुद के लिए किया, खुद के लिए जो भी चीज़ करते हो ना तो उसका अच्छा बुरा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहती है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज थिंग्स जो भी आपके लाइफ में होती है, अच्छी और बुरी दोनों भी। नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू ओन लोअर फैट लॉस सर्जी। ये लोअर लॉस अपर लॉस ऐसा कुछ रहता नहीं है, आपकी बॉडी ऐसी डिज़ाइन की गई है कि जो भी आप करोगे यानी आपको मसल बढ़ाने तो आपकी बॉडी के एवरी मसल डेवलप हो जाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा वर्कआउट करोगे वो थोड़ा ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। बट आपका ऐसा कभी होता नहीं है कि आपका सिर्फ लोअर का फैट बर्न करना है अपर का फैट बर्न करना है, इससे प्रोसेस जब भी आप वर्कआउट चालू करोगे वो मतलब डाइट आपका लिमिट में रखोगे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, और वर्कआउट अच्छा करोगे तो आप मेंटेन रहोगे। अगर आपको एक्सेस फैट बर्न करना है तो आपको थोड़ा कैलरी कम करना पड़ेगा, खाना आपका कम करना पड़ेगा, वर्कआउट सेम रखना पड़ेगा। अगर आपको मसल्स बढ़ाने हैं और फैट कम करना है तो आपको हाई प्रोटीन डाइट करना पड़ेगा, लो कार्ब करो, देन कार्डियो स्ट्रेंथ दोनों का कॉम्बिनेशन करो, देन आप मसल बढ़ा सकते हो, उसके साथ साथ आपकी बॉडी का फैट। नितिन चंडेला ज्वाइन हो गया है, देखता हूँ नितिन आता है क्या, अगर नितिन आ जाएगा तो कुछ बातें हो सकती हैं नितिन के साथ। नितिन यार आप आ सकते हो तो एक रिक्वेस्ट भेज दो, मैं आपके साथ थोड़ा बात करता हूँ क्या चल रहा है वहाँ पे। सब लोग वेव करके चले जा रहे हैं। सो यार बाइसेप कैसे बढ़ाने हैं, ट्राइसेप कैसे बढ़ाने हैं, डाइट क्या करना है, कैलोरी काउंट कैसे करनी है, ये चीज़ें मुझसे बेहतर आपको यतिंद्र बता सकता है, क्योंकि उसका काम ही वो चल रहा है, वी इज ऑन दैट मिशन एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है उसका। तो आपको जितनी भी चीज़ें करनी है वो आप एजुकेटेड चीज़ें आप यतिंद्र के साथ जा सकते हो, टेक्निकल चीज़ें साइंटिफिक चीज़ें। तो मैं बंदा हूँ यार, मैं हर चीज़ टेक्निकली साइंटिफिकली लेता नहीं हूँ, मैं सिचुएशन के हिसाब से काम करता हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम में एक वीडियो डाला था अबाउट लैटरल रेजेस का शोल्डर के लिए,
तो मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था कि सर लैटरल नहीं मिडल डेल्ट है, इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। सो गाइज मैं कॉमन लोगों के लिए बनाता हूँ वीडियोस, मैं ट्रेनर्स को ट्रेन नहीं कर सकता, मुझे और ट्रेनिंग किसी को ध्यान नहीं है। मुझे उतना बोलना है कि जो लेमन है जो न्यू न्यू वर्कआउट करते हैं उनको इतना बोलना था कि बाइसेप ट्राइसेप, और मैंने लास्ट टाइम ऐसे बताया था कि ये मसल कैसे बढ़ाते हैं पीक बढ़ाने के लिए। तो एक मंदिर ने मुझे पूछा कि सर ये मसल वो मसल कुछ रहता नहीं, इसको मसल कैसा बोलते हैं, देन इसका टेंडन इंसर्शन, देन जेनेटिक्स, ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है तभी आपकी मसल बढ़ेगा। सो गाइज अगर हर कोई जेनेटिक के ऊपर बैठेगा तो नॉन जेनेटिकल बंदा रहता है, हार्डवर्क करके उसको बीट कर सकता है। सो हर कोई फिलिथ जैसा गिफ्टेड रहता नहीं है, और फिलिथ गिफ्टेड होके भी बाकी सब के जितना ही वर्कआउट करता है, इसलिए वो चैंपियन बना था। सिर्फ गिफ्टेड होके फ़ायदा नहीं है जेनेटिक के लिए, आपको उसको वर्कआउट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हार्डवर्क अगर कोई बंदा स्मार्टली करेगा तो उसके सामने जेनेटिक वाला बंदा अगर हार्डवर्क नहीं करता रहेगा तो जेनेटिक वाला बंदा हार सकता है। सो हार्डवर्क नहीं करना यार आप, मैं एक बात बोलता हूँ आपको कि सब लोग बोलते हैं कि हार्डवर्क पेज ऑफ, हार्डवर्क करना चाहिए, हार्डवर्क सिवा कुछ नहीं है, विदाउट हार्डवर्क यू कांट गेट एनीथिंग। यार मैं ये सोचता हूँ कि आपको क्या अच्छा लगता है, हार्डवर्क अच्छा लगता है, नहीं हार्ड चीज़ें अच्छी लगती है कि लाइफ आपके हार्ड करनी है आपको कि ईजी करनी है। एक सिंपल बात बोलता हूँ मैं, मतलब मेरा सोचना है कि जैसे एक सिंपल मतलब मेरा बोलने का एंगल अलग है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपको आम खाने हैं तो आपको आम की गुठली लगानी पड़ेगी, तब उसका आम का पेड़ बनेगा, देन आपको बड़े आम का पेड़ होने के बाद उसको आम लगेंगे। अगर आपको चीकू खाना है तो आपको चीकू की बीज लगानी पड़ेगी, बीज फिर उसको वो पेड़ बन जाएगा, उसमें चीकू लग जाएंगे, ठीक है। देन जो भी चीज़ है तो आपको जो चाहिए ना आपको वो करना पड़ता है ना। तो आपको सब लोग बोलते हैं कि हार्डवर्क पेज ऑफ हार्ड, आप हार्डवर्क करोगे ना तो आपकी लाइफ हार्ड ही हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप हार्डवर्क करोगे